वीडियो होगा लेकिन खूब सारा डेटा भी होगा। मेरा नाम है अर्पित पाठक और आप हैं ओसाई दलाल स्ट्रीट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए ये क्रैश की अफवाहें आती कहाँ से हैं। ये आती हैं डाओ से। रात में आपके फेवरेट यूट्यूबर्स डाओ देखते हैं, डाओ में गिरावट दिख जाती है तो तुरंत वीडियो बन जाता है कि मार्केट हमारा हो जाएगा क्रैश, सुबह हो जाएगा ब्लड बाथ और ये सारी चीज़ें। मतलब आदमी पानी से नहाए 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 लेकिन ब्लड बाथ ज़रूर हो जाता है। उसको छोड़ते हैं, जैसे कल हमारा डाओ पे आप नज़र डालिए 4% गिर गया तो तुरंत यूट्यूब पे वीडियो बन गए। अब देखो आपके प्यारे यूट्यूबर्स एक तरह पे तो सही हैं कि अगर डाओ गिरेगा तो हम गिरेंगे क्योंकि हमारा कोरिलेशन है उनके साथ, लेकिन वो गलत क्यों हो जा रहा है, क्यों नहीं हमारा मार्केट गिर रहा है, ये समझने की बात है। मैंने इस पे दो वीडियो भी बनाए थे कि क्यों नहीं गिरेगा मार्केट। उसके बाद कल जब बातें उठी तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जो शायद ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्टिंग भी था। उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आज मैं थोड़ा और फंडामेंटली डीपर क्वेश्चन को आंसर करूंगा कि क्यों गलत हो जा रहे हैं, उनके एनालिसिस में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये बताता हूं। सबसे पहले उनका अजम्पशन कि डाओ में जो हो रहा है वो हमारे मार्केट में होगा वो सही है कुछ हद तक, लेकिन वो मिस कर रहे हैं कि भारतीय मार्केट अब ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा डीकपल हो रहे हैं। बेसिकली कोरिलेशन हमारा ग्लोबल मार्केट से कम हो रहा है। आप समझो कि क्यों, एक उदाहरण समझो। मान लो कि आपका एक बचपन का दोस्त था, वो जो करता था वही करते थे, वो बड़ा इंटेलिजेंस था, आपका एक रोल मॉडल टाइप था, वो जो करता था वो करते थे। लेकिन फिर आप खुद बड़े हो गए, आपका अपना एक्सपीरियंस हो गया। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो जो करेगा वही करोगे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भारत के मार्केट में यही हो रहा है। हम पहले पूरी तरह US के मार्केट पे डिपेंडेंट थे, वो जो करते थे हम वही करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, भारत ग्रो किया, भारत में मार्केट में डेप्थ बढ़ी, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स में ग्रोथ देख लो, SIP के नंबर्स में ग्रोथ देख लो, लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब वो फाइनेंशियल मार्केट में खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद अब भारत जब ट्रेड करता है तो वो ग्लोबल मार्केट ज़रूर देखता है, हम भी देखते हैं और बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे अपने खुद के कुछ रीज़न हैं, अब हम उनको देख के भी ट्रेड करते हैं, यानी वो कोरिलेशन ब्रेक हो रहा है। उसको मैं डाटा के रूप में दिखाऊं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी का ग्राफ और यहाँ पे देख सकते हो डाओ का ग्राफ। ये सारी घटनाक्रम शुरू हुई थी कोविड से, तो कोविड पे नज़र डालो। कोविड में हमारे मार्केट लगभग 38% गिरे थे और बिल्कुल सेम गिरे थे डाओ, यानी कोरिलेशन के टर्म्स में आप कह सकते हो नियरली परफेक्ट कोरिलेशन था। लेकिन ये कोरिलेशन ब्रेक होने लगा उसी के बाद से। अगर निफ्टी की ग्रोथ देखो अपने बॉटम से कोविड में जो उसने बनाई थी वो लगभग 150% की है, नोट करिए 150%, लेकिन डाओ के ग्रोथ की बात करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 100% की है, यानी भारतीय मार्केट डाओ से लगभग 50% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, जो आपको बता रहा है कि हमारे मार्केट की खुद भी तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जो हमारे नए निवेशक आ रहे हैं उनका भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो आपको हायर रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है। दूसरा एक कोरिलेशन में कमी आपको देखने मिल रही है कि कब टॉप बना। भारत में आप देखोगे हमारी टॉप बनी थी 18,600 की अक्टूबर के महीने में, जबकि डाओ की टॉप बनी आपकी जनवरी के महीने में, यानी 3 मंथ का लैग था, हमने पहले टॉप बनाई। अब इसके कुछ फंडामेंटल रीज़न है, उससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं कॉज की बात कर रहा हूँ कि हमारा कोरिलेशन इसके थ्रू भी कम हो रहा है, अब हम पूरी तरह उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गिरावट की बात करो, गिरावट में डाओ का जो सबसे बड़ी गिरावट थी वो लगभग 20% के आसपास थी और हम 20% से कम गिरे। अब ये समझो हम बड़े 150%, लेकिन गिरे हम डाओ से कम, और डाओ बड़ा ज़्यादा था लेकिन गिरा हमसे ज़्यादा। ये क्या बता रहा है, भारतीय मार्केट की अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ, हमारे अपने खुद के कुछ कारण हैं। अब हम रात को डाओ देख के सिर्फ उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं। ट्रेड में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन इन निवेशक इन्वेस्टर्स के लिए आपके अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है अब मार्केट में। इस तरह से आप काफ़ी सारे चीज़ें देख सकते हो। यार इन्होंने जहाँ पे बॉटम बनाया वो बिल्कुल वही रेखा थी जो टच कर रही थी आपकी प्री कोविड लेवल पर, लेकिन निफ्टी की बात करो यार, हमारे बॉटम अभी भी प्री कोविड लेवल से लगभग 20% ऊपर है, हम अपने प्री कोविड लेवल तक गए ही नहीं। ये आपको बता रहा है इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। ये सिंपल आप फैक्ट्स फिगर डेटा के टर्म्स में देख सकते हो, लेकिन और भी डेटा है, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है।
अब भारत के आउट परफॉर्मेंस को देखिए, MSCI ये आपको गलत नहीं बताएगा। अगर आप ग्लोबल फंड मैनेजर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट ज्योग्राफी के मार्केट को कंपेयर करना। FII क्या है? एक ग्लोबल फंड मैनेजर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफरेंट ज्योग्राफी में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। भारत की परफॉर्मेंस आप शॉक हो जाओगे कि कितना हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी सारे कंट्रीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हो MSCI इंडिया की परफॉर्मेंस, पिछले एक साल में हमने पॉजिटिव 5.8 रिटर्न दिए हैं परसेंट में, और ये डाटा अगस्त तक का है, यानी काफ़ी रिसेंट डाटा है। इमर्जिंग मार्केट जिसमें भारत भी है लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, चाइना का है, उसमें आप देखो लगभग 14% की गिरावट है। अगर आप BIC ब्राज़ील इंडिया और चाइना की बात करो तो उसमें लगभग आप देख सकते हो 18.5% की गिरावट है। यानी सारे इमर्जिंग मार्केट में भी सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है भारत। ग्लोबल मार्केट तो देख ही लो, यूरोपियन बेकार परफॉर्म कर रहे हैं, US के मार्केट बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। हम उनको तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हम अपने साथी जो हमारे से कॉम्पिटिशन है स्पेशली चाइना, उसको तो हम क्रश कर रहे हैं रिटर्न्स में। उनकी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है जो हमें पॉजिटिव आ रही है। अगर आप एक ग्लोबल फंड मैनेजर हो और आप ये डेटा देखते हो तो आप क्या करोगे, अपने फंड निकालने की कोशिश करोगे चाइना से और भारत में डालने की कोशिश करोगे, क्योंकि भारत आउट परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, एशियन कंट्री से भी कंपेरिजन करोगे तो भारत की आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। यानी हम लगभग 10 से 15% पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को, और इसके कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हैं हमारे मार्केट पर, और वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको देखने मिलेगा FII के डेटा में। लेकिन सबसे पहले कल का कम्युनिटी पोस्ट जो बहुत कम लोगों ने देखा उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने बताया 17,800 और 17,700 आपका सपोर्ट साबित होगा, और मार्केट पहले ही सपोर्ट से बिल्कुल रिवर्स कर गया। मैंने बताया कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यह नॉर्मल है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा भी बताया। और उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखी, वो ये थी कि पीपल स्टिल डोंट रियलाइज मैच्योरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। यानी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, उनकी मैच्योरिटी पे सवाल उठा रहे हैं लोग, और अभी भी उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि भारतीय रिटेल इन्वेस्टर कितना मैच्योर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, मजा आएगा देखने में। ये मैंने डाटा कंपाइल किया है मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक का। इसमें मैंने FII के पूरे डेटा, DII के डेटा और निफ्टी में कितना चेंज आया, ये तीनों डेटा को कंबाइल किया है देखने के लिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले, और उसको फिर मैंने पिवट टेबल में बनाया और ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब एक चीज़ समझो, MSCI का पिछला डेटा आपने देखा ना, अगर आप यहाँ से अक्टूबर में जहाँ पर हमने लाइफ टाइम हाई बनाया वहाँ से देखोगे तो FII ने लगातार सेलिंग की है। अगर यहाँ पे सम देखो तो लगभग 90,000 करोड़ की सेलिंग कर दी थी अक्टूबर से जुलाई के बीच में, बहुत ज़्यादा बिकवाली की। ये डेटा आपको डायरेक्ट वहाँ पे टेबल में भी देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग की यहाँ पर। लेकिन MSCI डेटा में आपने देखा ना, भारत फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा था ग्लोबल मार्केट को। ये बता रहा है भारत के इंटरनल स्ट्रेंथ को। अब इससे होगा क्या, अगर आप एक FII हो, ग्लोबल पैसा मैनेज करते हो, तो आपसे आपका इन्वेस्टर पूछेगा कि जो स्ट्रॉन्ग मार्केट है, जो आउट परफॉर्म कर रहा है, वहाँ से आप पैसा निकाल रहे हो और बाकी सारे मार्केट तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो भारत से आप पैसा निकाल क्यों रहे हो। और यही सवाल फॉरेन इन्वेस्टर से पूछा गया कि इतना ज़्यादा आपने पैसा निकाला, ऐसा क्यों है, भारत फिर भी आउट परफॉर्म कैसे कर रहा है। और ये सारी चीज़ें देखकर जो हमारे ग्लोबल फंड मैनेजर है उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट ज़रूर आता है यार। FII एक तरह से पूरे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है हमारे DII जैसे, वो ट्रेडर हैं। और उसको देख के आप जुलाई का डेटा देखो, जुलाई के बाद इन्होंने तुरंत बाई करना शुरू कर दिया। जुलाई में लगभग 3,000-4,000 करोड़ की बाइंग है और उसके बाद अगस्त में 15,000 करोड़ की बाइंग है। यानी FII का सोचो, भारत का मार्केट जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लिया है। अब उनका स्टेक भारत के मार्केट में पहले से बहुत ज़्यादा कम है और उसके बावजूद भारत का मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उनमें एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है और अब विदेशी पैसा भारत के मार्केट में आ रहा है। और DII को देखोगे, DII बहुत इंटेलिजेंट है। जब भी मार्केट गिरता है ये नीचे से मार्केट को सपोर्ट देते हैं, और ये जैसे ही मार्केट बहुत ऊपर आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर DII बेचना शुरू करते हैं, और वो सब डर के कि हम रैली को भूल ना जाएं, वो FII बाय करना शुरू करते हैं। सबसे पहला डेटा ये FII और DII की बाइंग एक्टिविटी को आप समझ सकते हो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नेट डेटा देखोगे तो वो काफ़ी निगेटिव है।
निगेटिव हो जाता है, यानी अगर आप FII ने कितना खरीदा और DII ने कितना खरीदा बेचा उसका नेट करो तो आप देखोगे कई बार डेटा निगेटिव होता है लेकिन फिर भी हमारे मार्केट गिरते नहीं हैं। आप यहाँ पे येलो लाइन देख सकते हो, ये नेट डेटा की लाइन है और ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थी लेकिन फिर भी मार्केट गिरा नहीं। ये आपको डेटा के टर्म्स में प्रूव कर रहा है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो FII और DII में काउंट नहीं होते हैं, वो कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनके पास, वो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे मार्केट्स में। तो जो आपको हमेशा बताता है ना कि तीसरी महाशक्ति हम लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो आप डाटा के टर्म्स में देख सकते हो कि इनके लगातार बिकवाली के बाद भी DII जब खरीदता है लेकिन उतना नहीं खरीदता जितना FII बेच रहे हैं, वो नेट निगेटिव नंबर आता है, तब भी कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न दी है और ये आपको डेटा के रूप में दिखा रहा है। इस डेटा में डेफिनेटली कुछ नॉइस है, यानी पूरी तरह से आपका 100% एक्यूरेट नहीं है। उसमें रीज़न क्या है, क्योंकि DII और FII की एक्टिविटी में आपकी बल्क डील और ब्लॉक डील भी इन्वॉल्व है, उसकी वजह से इसमें कुछ नॉइस है, लेकिन कोई नकार नहीं सकता है कि ये जो तीसरी पावर आई है जो भारत के मार्केट में डेप्थ दे रही है, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत के मार्केट क्यों पूरी तरह आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और छोटी मोटी गिरावट लगातार आती रही, लेकिन अगर आप निवेशक हो, ट्रेडर हो, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो गिरावट में भी पैसा बनाओगे। और अगर आप निवेशक हो, लॉन्ग टर्म में भारत सारे मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा, आगे भी करेगा और आज से ज़्यादा करेगा। और ये जो डीकपलिंग हो रही है, जो हमारा कोरिलेशन ब्रेक हो रहा है, वो थोड़ा और ज़्यादा ब्रेक होगा। यानी एज अ निवेशक आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, पूरी डाटा बेस्ड है और आपको भारत मार्केट पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म हो। और ट्रेडर्स, दोनों तरफ ट्रेड करो, आपको तो पर डे या पर वीक के पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, आप शॉर्ट भी करो लॉन्ग भी करो, आपका क्या है, मार्केट की दिशा से आपको कोई टेंशन नहीं है। ये बेसिकली आपको एज अ निवेशक एक्सप्लेन करता है कि हमारे मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ कितनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, काफ़ी डाटा मैंने कंपाइल किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो अच्छा डेटा मिला, कुछ अलग मिला, वही सारी चीज़ें यूट्यूब पर एक ही चीज़ें, कोई ओरिजिनल डेटा मिला, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सपोर्ट के बिना ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे भारतीय मार्केट को रिटेल निवेशक जो कि आप हो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वैसे ही मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मुझे भी रिटेल निवेशकों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। आई विल बी सो हैप्पी एंड आई विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।